देश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है। और लेकिन मैं कहना चाहूंगा, 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई, और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई, और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई, और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और जनता जनार्दन जुड़ गई तो वो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है। और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करने वाले। दुनिया को युवा शक्ति की जरूरत है, युवा स्किल की जरूरत है। हमने अलग स्किल मिनिस्ट्री बनाई, वो भारत की आवश्यकताओं को तो पूरी करेगी, वो दुनिया की आवश्यकताओं को पूरी करने का भी सामर्थ्य रखेगी। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। मंत्रालय की बनाने की रचना को भी अगर कोई एनालिसिस करेगा ना, तो इस सरकार के मन मस्तिष्क को बड़े अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। ये जल शक्ति मंत्रालय हमारे देश के एक एक देशवासियों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, पर्यावरण की रक्षा के लिए पानी के प्रति संवेदनशील व्यवस्थाएं विकसित हो, उस पर हम बल रहे हैं। हमारे देश में कोरोना के बाद दुनिया देख रही है, होलिस्टिक हेल्थ केयर ये समय की मांग है। हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया, और योग और आयुष आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमने दुनिया को, हमारे कमिटमेंट के कारण विश्व का हमारे प्रति ध्यान गया है। अगर हम ही हमारे इस सामर्थ्य को नकार देंगे तो फिर दुनिया कैसे स्वीकार करेगी।